इस वीडियो में आपको बताऊंगी डिजाइनर टॉप कैसे बनाएं। देखिए इस वीडियो में आपको डिजाइनर टॉप बता रही हूँ जो कि जीन्स के लिए बनाऊंगी। ये टॉप काफ़ी अच्छा बनने वाला है, पूरा वीडियो जरूर देखें। तो देखिए जैसे आपकी कुर्ती का कपड़ा बच जाता है तो उसमें से ये सुंदर सा टॉप बना सकते हैं। जैसे कि ये मेरा कुर्ती का बचा हुआ कपड़ा है तो मैं इसमें से एक सुंदर सा टॉप बनाऊंगी। तो सबसे पहले हम इसका साइज़ ले लेते हैं। तो देखिए अभी तक मैंने इसको डबल फोल्ड कर लिया है। डबल फोल्ड करने के बाद अभी हम आगे पीछे के पार्ट इसमें से कट करेंगे। तो जो भी आप साइज़ का बना रहे हैं उस हिसाब से इतना फोल्ड कर। देखिए मैं इसको 32 साइज़ का बनाऊंगी, लेकिन हम ये 32 साइज़ का बना रहे हैं उसके लिए हमको 34 साइज़ रखना पड़ेगा, क्योंकि टॉप है। अगर ब्लाउज है 32 का तो 32 का ही बनाएंगे, लेकिन टॉप है तो उसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेके चलेंगे। तो आप इसको 34 का बनाना पड़ेगा आपको, 32 की जगह 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो देखिए सबसे पहले हम इसकी लंबाई ले लेते हैं। तो देखिए जैसे मैंने लंबाई इसकी 15 इंच ले ली, 15 इंच पे जो है आगे पीछे इसको कट कर दूंगी। 15 इंच की लंबाई है और जैसे मैंने बताया 32 का बनाऊंगी, और जैसे मैंने 10 इंच में फोल्ड कर लिया है तो इसका फोर्थ भाग आएगा 8.5 इंच तैयार में। 1.5 इंच हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा। और इसको मैं ऊपर हाई नेक में बनाऊंगी तो शोल्डर ले रही हूँ 6 इंच, और ये स्लीव लेस भी रहेगा और मुड्डी इसके 5.5 इंच, और यहाँ पर इस तरीके का बॉक्स बना देंगे और 1.5 इंच की इसके लिए गोलाई कर दें। इस तरीके से आएगा इसका ड्राफ्ट। तो पहले मैं यहाँ से लेके देखिए शोल्डर से 3.5 इंच ले लेंगे, और इसको डीप हम 4 इंच रख रहे हैं और इसकी शेप दे देते हैं। इसी ड्राफ्ट पर कट कर लेंगे, और जो पीछे की हम डीप रखेंगे उसको 3 इंच रखेंगे। मेथड सेम रहेगा तो सेम ड्राफ्ट पर कट कर लेंगे। तो देखिए जो नेक का ड्राफ्ट है इसके लिए कैनवास और नेक पट्टी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए मैंने प्लेन कपड़ा ले लिया है और कपड़े को इस तरीके से रख दिया। अंदर का सेम रहेगा, बाहर 1 इंच ले लेंगे, और जो कैनवास की चौड़ाई लेंगे वो आधा इंच लें। इसी तरीके का बैक साइड का पार्ट भी कर। देखिए जो ये नेक है, जो कैनवास मैंने कपड़ा जो कट किया था उसी तरीके से कैनवास भी कट कर लिया है, और जैसे बताया था मैंने स्टिच कर लिया है। अभी हम नेक में इस तरीके से यहाँ पे फिनिशिंग दे देते हैं। देखिए स्टिच कर दिया है, और इसको हम यहाँ पे पलट के किनारे पे एक सिलाई डाल देते हैं। देखिए ये नेक की फिनिशिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरीके से बैक साइड का पार्ट भी तैयार कर लिया। अभी हम दोनों को शोल्डर से अटैच करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको ये पार्ट सीधा ही रखना है फ्रंट, और यहाँ पे स्टिच डाल देनी है। जो ये पट्टी है इसको इस तरीके से पलट देंगे तो शोल्डर पे बहुत अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। तो देखिए शोल्डर स्टिच कर दिए हैं, इसको खोल देते हैं। तो देखिए खोलने के बाद इसकी जो फिनिशिंग है काफ़ी अच्छी आ जाती है शोल्डर पर। देखिए जो पट्टी जब हमने ये खोल दी तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सिलाई नहीं दिखेगी, अंदर की तरफ चली गई है। अभी नेक में भी सिलाई डाल देते हैं। देखिए नेक की फिनिशिंग हो चुकी है। जैसे ये स्लीव लेस है तो इसके लिए मैंने क्रॉस में पट्टियाँ कट कर ली हैं, देखिए, और साइज़ के अनुसार सभी को जॉइंट कर लिया है। अभी पट्टियों को इस तरीके से डबल फोल्ड करके आम मोल्ड में फिनिशिंग दे देते हैं। आम मोल्ड की फिनिशिंग कंप्लीट हो चुकी है, और अभी हम इसमें फिटिंग कर देते हैं। तो जैसे मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा 1.5 इंच लिया था, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन, तो 1.5 इंच में ही हम नीचे तक स्टिच डाल देंगे। दोनों साइडों में मैंने स्टिचिंग डाल दी है। अभी यहाँ पे कमर की फिटिंग के लिए हम एक एक प्लेट डाल देते हैं आगे पीछे दोनों पार्टों में। तो यहाँ पे सेंटर से फोल्ड कर लेंगे, और सेंटर से 4 इंच यहाँ पर 4 इंच, और 4 इंच से लेके ये 4 इंच लंबी प्लेट डाल देंगे, और ये प्लेट आधा आधा इंच की रहेंगे। तो इसी तरीके से आपको 2 आगे के पार्ट में 2 पीछे के में, तो ये चारों मैंने इस तरीके से फोल्ड कर लिए हैं। अब इन चारों को यहीं पे प्लेट की जो मार्किंग करी है ये कट दे देंगे, तो चारों प्लेटों की मार्किंग एक साथ हो जाएगी। देखिए कट दे दिया है, अब इसी के हिसाब से यहाँ पर प्लेट डाल देते हैं। प्लेट पड़ चुकी हैं, अभी नीचे का जो पार्ट है उसको तैयार कर लेते हैं। तो जैसे मैंने बताया था मैंने इसको स्टिच कर लिया है किनारे पे, और एक जॉइंट लगा लिया, दूसरा भी जॉइंट कर देते हैं।
क्योंकि इसको भी राउंड में स्टिच कर देंगे, तो दोनों साइडों का ये पूरा क्लोज हो जाएगा नीचे वाला पार्ट। देखिए मैंने साइड में जॉइंट कर दिया है और अभी इसमें छोटी छोटी प्लेट डालना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इस तरीके से छोटी छोटी प्लेट डालना। देखिए राउंड में प्लेट हमारी पड़ चुकी हैं। अभी जो हमारा ब्लाउज है ऊपर वाला, इसको भी अटैच करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा एक सिलाई का पॉइंट आ रहा है, तो यहीं से हम इसको स्टिच कर देंगे। तो इस पार्ट को यहाँ पर फोल्ड कर देंगे और यहाँ से स्टार्ट करते हैं पूरा राउंड में स्टिच करने को। तो देखिए राउंड में मैंने पूरा स्टिच डाल दिया है। तो देख रहे हैं आप नीचे की तरफ इस तरीके की फ्रेट आ जाएंगे और ऊपर हमारी ये फिटिंग रहेगी। अभी जो हमने नेक लिया है इसमें हम तुरपाई कर देंगे। तुरपाई करने के बाद इसकी फिनिशिंग अच्छे से आ जाएगी। और जो आर्म होल है इसमें हमने ऑलरेडी स्लाइड लगा दी है। तो आप देख रहे हैं कि कम कपड़े में से कितना सुंदर सा हमारा टॉप बनकर तैयार हो गया। तो आप इस आसान तरीके से बचे हुए टुकड़ों में से सुंदर सा टॉप बन। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।